हरे कृष्णा। आज का टॉपिक है कोई बहुत पसंद करता है आपको, तो इतना ज्यादा क्यों पसंद करते हैं वो आपको, ये जानने की कोशिश करेंगे आज की रीडिंग से। टैरो में से 5 कार्ड लेंगे और ओरेकल में से 10 कार्ड। सब लोग अपनी जुबान से नहीं कह पाते कि वो हम में क्या पसंद करते हैं, लेकिन हमें क्यूरियोसिटी रहती है कि कोई हमारे लिए इतनी फीलिंग्स रखता है तो क्या है उनके मन में, क्या लाइक करते होंगे वो, क्योंकि हम खुद से तो बात कर ही सकते हैं और ये जान भी कोशिश मतलब जानने की कोशिश भी कर सकते हैं कि क्या सच में हम में वो बातें हैं जो ये पर्सन सोच रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हम खुद की तरफ इतना ध्यान नहीं देते, लेकिन सामने वाला पर्सन बहुत बारीकी से हमें नोटिस करता रहता है। तो कुछ बातें ऐसी होती है जिनके बारे में हम खुद की बातें होने के बावजूद भी उनको इम्पोर्टेंस नहीं देते, बल्कि सामने वाले के नज़रिए से वो बातें समझने की कोशिश करते रहते हैं। एक, दो, तीन, चार, पांच। एक, दो, तीन, चार, पांच, छः, सात, आठ, नौ और ये 10। पहला ही कार्ड है नाइट ऑफ सॉर्ड का, यानी कि एयर साइन जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। जैसे इस पर्सन के हाथ में ये सॉर्ड है जो रिप्रेजेंट करती है कम्युनिकेशन को, तो शायद आप हमेशा इस पर्सन से बहुत क्लियरली बात करते हैं, यानी कि आपका दिल बहुत साफ है, आपके मन में जो होता है आप अपनी जुबान से बोल देते हैं। हाइड एंड सीक बिल्कुल भी नहीं, यानी कि आपके खुद के माइंड को भी और दिल को भी एक क्लैरिटी आपके पास है, जिसकी वजह से आप वही क्लैरिटी सामने वाले पर्सन को भी दे देते हैं। ये बात उन्हें बहुत अच्छी लगती है कि कम्युनिकेशन आपके साथ शायद ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ उन्हें आपसे बात करना भी पसंद है और आपकी बातें सुनना भी बहुत पसंद है। उन्हें लगता है कि आप जो भी बात करते हैं, कुछ भी शेयरिंग हो, वो काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है, क्योंकि ये जैसे ये शॉर्ट चमक रहा है वैसे ही उन्हें शायद आपकी बातें बहुत ज़्यादा पसंद है। नेक्स्ट है एस ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन है जेमिनी लिब्रा या फिर एक्वेरियस। एस का कार्ड हमेशा अच्छा ही होता है, तो शायद आप भी नोटिस करते होंगे कि आपको भी आउट ऑफ द ब्लू, जैसे यहाँ पे थोड़ा सा बादल छाए हुए हैं, जैसे बारिश होने वाली है तो बादल छाए जाते हैं, सूरज की रोशनी कम होती है, लेकिन कहीं से कुछ किरणें यहाँ पे आ रही है जिसकी वजह से एक माहौल अलग होता है। तो वैसे ही शायद आउट ऑफ द ब्लू आपके पर्सन का भी कभी भी आपको मैसेज आता है या फिर उनका कॉल आता है तो आपको भी वो अच्छा लगता है। वैसे ही इस पर्सन को भी अचानक से अगर आपका कोई मैसेज मिल जाए, आपका फ़ोन आ जाए या फिर आप कोई भी बात ऐसे छेड़ दे तो उन्हें अच्छा लगता है, यानी कि अगर ये डिस्टर्ब है दिन भर में मान लीजिए और थोड़ा सा अपसेट है और अचानक से आप उनसे कांटेक्ट करती हैं या करते हैं, तो इस पर्सन को ऐसा लगता है कि जैसे ये सब बादल हट गए हैं और उन्हें रे ऑफ होप जिंदगी के लिए मिल गई है। यहाँ पे भी फोर ऑफ सॉर्ड्स है, एयर साइन ही है जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस। यहाँ पे भी ये पर्सन सोने की कोशिश कर रहा है, लेकिन 3-4 सॉर्ड्स उसने साइड में रखी है, तो शायद आप दोनों की बातें मोस्टली रात को होती होंगी या फिर गुड नाइट मैसेजेस तो आप पक्का एक दूसरे को सेंड करते ही होंगे। तो इस पर्सन को वो बातें भी अच्छी लगती है कि आपका दिन खत्म होने से पहले आप इनको याद करती हैं या करते हैं, और उन्हें ये भी पता है कि जैसे रात को सोने से पहले ये पर्सन आपके माइंड में होते हैं, उसी तरह से उन्हें ये भी अच्छा लगता है कि आप भी उनके बारे में इतना सोच रही हैं या सोचते हैं। नेक्स्ट टू ऑफ सॉर्ड्स, यहाँ पे भी एयर साइन ही है, तो 4 कार्ड तो एयर साइन के ही आए हैं। टू ऑफ सॉर्ड्स जेमिनी लिब्रा एक्वेरियस, जैसे आँखों पर पट्टी बंधी हुई है और ये
क्रॉस बना के रखा है, वैसे ही शायद किसी दुविधा में जब भी ये पर्सन फंस जाते हैं तो शायद आपकी बातें उन्हें क्लैरिटी मिलने के लिए हेल्प करती है, यानी कि उनका जब डिसीजन मेकिंग नहीं हो पाता तो शायद ये आपसे बात करते हैं। जैसे यहाँ पे पीछे भी समंदर है, समंदर यानी कि ये पानी रिप्रेजेंट करता है उनके इमोशंस को, तो जब भी ये पर्सन इमोशनल हो जाते हैं, कंफ्यूज हो जाते हैं, हो सकता है ये आपसे कम्युनिकेट करते हैं, आपसे बात करके उनके इस दिल का बोझ हल्का हो जाता है, रिलैक्सेशन फील करते हैं और उन्हें क्लैरिटी भी मिल जाती है। नेक्स्ट है द व्हील ऑफ फॉर्चून। तो जैसे समय का पहिया होता है ये घूमता रहता है, हम दुनिया में से कोई साइंटिस्ट भी नहीं बता सकता कि दुनिया में समय कब कैसा टर्न लेने वाला है, यानी कि जैसे कोविड का फेज भी इतने सब साइंटिस्ट है लेकिन किसी को नहीं पता था कि ऐसा भी कुछ होने वाला है जिसकी वजह से दुनिया में इतना बड़ा कुछ मसला हो सकता है। रिसर्च वगैरह सब चलते रहते हैं दुनिया में लेकिन समय समय की बात होती है ये ही नहीं कहा जाता। तो इस तरह से शायद इस पर्सन ने जब भी अपने ज़िंदगी में अप्स एंड डाउन देखे हैं उन्होंने हमेशा नोटिस किया है कि आप ऑलवेज देयर है, आपने हमेशा उन्हें सपोर्ट दिया है चाहे जिस भी फेज से ये पर्सन गुजर रहे, मतलब फैमिली का स्ट्रेस हो, जॉब स्ट्रेस हो, करियर रिलेटेड कोई बातें हो, कोई भी मसला हो, वो अप्स एंड डाउन से जब भी गुजरते हैं, यानी कि खुशी हो, गम हो, कुछ भी हो, अगर आपको पता चल रहा है कि ये पर्सन सैडनेस में है तो उस वक्त भी आपने उन तक रीच आउट होने की कोशिश की है, उन्हें ये एहसास दिलाया है कि आई एम देयर फॉर यू। तो ये भी बात उन्हें अच्छी लगती है कि आप ऐसे नहीं है कि वक्त रहते सब बदल गए तो आप भी बदल गए, आप वैसे ही हैं, यानी कि वक्त से आपको फ़र्क नहीं पड़ता, आपका नेचर इतना अच्छा है कि आपने उन्हें उनके बैड फेज में भी हमेशा सपोर्ट किया है। एटीट्यूड, तो आपके अंदर जो एटीट्यूड है, एटीट्यूड मतलब रॉन्ग एक्शन नहीं है, आपका जो एक नेचर है, एक पर्सनैलिटी है, जिस एटीट्यूड से आप दुनिया को फेस करती हैं, करते हैं या फिर इस पर्सन को भी फेस करते, उन्हें वो एटीट्यूड बहुत पसंद है आपके अंदर, पर्सनैलिटी। ये भी वही है कि आपकी टोटल पर्सनैलिटी, यानी कि उसमें आपका नेचर है, आपके लुक्स हैं, आपका बिहेवियर है, आपका बोलना है, आपका ड्रेसिंग सेंस है, ये सभी उन्हें आपके अंदर बहुत ज़्यादा पसंद है। लिप्स, ऑब्वियसली इस पर्सन को अगर आपसे कम्युनिकेशन करना पसंद है, आपकी बातें सुनना पसंद है, तो ये तो हो ही नहीं सकता कि उन्होंने आपके लिप्स की तरफ कभी ध्यान नहीं दिया हो। तो इस पर्सन को आपके लिप्स तो बहुत ज़्यादा पसंद है और शायद उन्हीं जुबा से उसी जुबा से आने वाली ये सब बातें होती हैं, मे भी इसलिए उन्हें ये बातें भी आपकी बहुत पसंद है। हैंड्स, मे बी इन बैड फेज आपने इस पर्सन का हैंड अपने हाथ में लेके, यानी कि हाथ हाथ में लेके इन्हें शायद सपोर्ट किया है कि डोंट वरी सब ठीक हो जाएगा, तो ये एहसास जब किसी के साथ मिल जाता है तो वो हाथ बेशकीमती हो जाते हैं और उन हाथों को थाम के ज़िंदगी का आगे का सफ़र भी इंसान इमेजिन करता रहता है। उसी तरह से शायद इस पर्सन ने भी काफ़ी कुछ इमेजिन किया हुआ है उन हाथों को लेके और शायद उसी हाथ की वजह से ये अब उस हाथ को छोड़ना नहीं पा, सोच भी नहीं पा रहे और शायद उन्हें लगता है कि यही हाथ थाम के उन्हें आगे का ज़िंदगी का सफ़र भी कंटिन्यू करना है, मे भी इसलिए उन्हें ये हाथ भी आपके बहुत पसंद है। नोज, हो सकता है आपकी नाक कितनी पसंद है इस पर्सन को इस बात के ऊपर, इस पर्सन ने कभी आपको कुछ बताया नहीं होगा लेकिन शायद जब भी आप बात करते हैं तो ये पर्सन आपके लिप्स की तरफ तो देखते हैं लेकिन शायद उन्हें उस नाक को भी वो इग्नोर नहीं कर पाते, यानी कि आपके चेहरे के जो फीचर्स बदलते रहते हैं उसके ऊपर ये उस नाक को भी बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। हो सकता है आपको थोड़ा सा गुस्सा आता है या नहीं ये देखने के लिए भी वो आपकी नाक की तरफ देखते होंगे, क्योंकि जब भी इंसान गुस्से में होता है तो नाक थोड़ी सी लाल हो जाती है, तो शायद ये पर्सन नोटिस करते हैं कि गुस्सा वगैरह तो आपके अंदर शायद बिल्कुल भी नहीं है और ये पर्सन अगर अपनी तरफ से आपको चिढ़ाने की भी कोशिश करते हैं तो भी ये नाक क्यूट ही लगती है। यस, आपके बाल भी इस पर्सन को बहुत ज़्यादा पसंद है, हो सकता है बालों के ऊपर किसी ने आपको कॉम्प्लीमेंट दिया होगा, अगर नहीं दिया है तो आपने नोटिस किया होगा कि उनका ध्यान आपके बालों की तरफ भी रहता ही है। मोल, आपके चेहरे पे एक छोटा सा तिल वगैरह भी हो सकता है या फिर हाथों के ऊपर हो सकता है जिसको इस पर्सन ने नोटिस किया है और वो तिल उन्हें काफ़ी कुछ बता देता है, यानी कि उस छोटे से तिल की वजह से शायद आपकी खूबसूरती में और भी ज़्यादा चार चांद लग जाते हैं, ऐसा शायद कुछ ये फील करते हैं, मे बी इस वजह से उन्हें वो तिल भी पसंद है। ड्रेसिंग स्टाइल,
तो जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं उन्हें आपका ड्रेसिंग स्टाइल भी पसंद है, यानी कि जब भी वो आपसे मिलते हैं तो आपके नेचर की बात तो होती है लेकिन साथ ही साथ आपकी पर्सनालिटी में इंक्लूड है आपका ड्रेसिंग स्टाइल। जिस तरह से भी आप तैयार होके उनके सामने आते हैं वो ऑलमोस्ट वहीं पे अपना दिल गायब है ये फील कर देते हैं और उन्हें पता चल जाता है ये क्यों हो रहा है, क्योंकि इतना ज़्यादा ये पर्सन आपको पसंद करते हैं। डिसिप्लिन, आपके अंदर एक डिसिप्लिन नेचर भी हो सकता है, यानी कि अगर आपने किसी को मिलने के लिए बोला है तो आप शार्प उस टाइमिंग तक पहुंच जाएंगे। आप ऐसे पर्सन नहीं है कि उन्हें वेट करवाए, और शायद डिसिप्लिन में रह के ही आपने काफ़ी कुछ बातों को सीखा है जिस वजह से आपको इस रिश्ते में काफ़ी कुछ समझने का मौका भी मिला है और इस पर्सन को भी आपने कहीं ना कहीं इस डिसिप्लिन से काफ़ी कुछ समझाया है। मे बी इसलिए भी उन्हें बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं, मतलब ये आपको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। और साथ ही साथ एक फिगर, तो आपका फिगर भी इस पर्सन को पसंद है और उस फिगर में इंक्लूड है आपका ड्रेसिंग स्टाइल। तो ड्रेसिंग स्टाइल जब भी वो नोटिस करते हैं तो आपके फिगर को वो इग्नोर नहीं कर पाते। आपकी हाइट हो, आपकी पर्सनैलिटी हो, आपका नेचर हो, ये पर्सन आपकी बहुत सारी बातें हैं जो दिल से एडमायर करते हैं और शायद इसलिए ये आपको इतना ज़्यादा पसंद करते हैं। तो जनरल रीडिंग है, मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टिल देन टेक केयर।